भाई काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई कुछ ऐसा बताओ जो कि काफ़ी आसान हो, उससे पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ भाई साहब। आपको पता है यूट्यूब से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा नीश है जिस पे आप इजीली वर्क कर सकते हो। जैसा आपको पता है आप मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते होगे, मूवीज़ देखते भी होगे, और एक भाई ने मुझे मैसेज भी किया कि भाई मुझे मूवीज़ रिव्यूज़ बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं, कॉपीराइट का क्या प्रॉब्लम आता है, किस तरह से हम म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, किस तरह से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hey, what's up beautiful people? मेरा नाम अमृत है, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर, इंजीनियर। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि क्या हम लोग मूवी रिव्यूज़ वाले जो वीडियोज़ बनाते हैं, क्या ये मोनिटाइज होगा, क्या इस पर कॉपीराइट आएगा, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब का कॉपीराइट का फेयर यूसेज के हिसाब से आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो आपको आगे बताता हूँ। तो क्या इस पे अर्निंग होगा? तो बिल्कुल अर्निंग होगा। एक यूट्यूब चैनल है अभी का रिव्यू, जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पे वो टॉप 10 मूवीज़, टॉप 5 मूवीज़ ऐसे करके वीडियोस बनाते हैं, जो कि काफ़ी उनका वायरल जाता है, और वायरल इन द सेंस कि उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है जो कि लोग देखना पसंद करते हैं। तो इस पे स्कोप तो बहुत अच्छा है। और आपको पता है कि फिल्मी इंडियंस करके हो गया, प्रतीक करके चैनल है, उनका भी मैं रिव्यूज़ देखता हूँ, और कोई मूवी देखना होता है तो बेसिकली हम लोग जब भी कोई मूवीज़ देखने जाते हैं तो हम लोग एक बार यूट्यूब पर रिसर्च कर लेते हैं या फिर IMDb रेटिंग देख लेते हैं, क्या वो मूवीज़ देखने लायक है, पैसा वसूल है कि नहीं। तो काफ़ी लोग ऐसा, बहुत ज़्यादा डिमांड होता है इस चीज़ का, तो इस पर आप लोग वीडियोज़ बना सकते हो, और काफ़ी लोग बना रहे हैं और वो लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि भाई कैसे करें। तो देखो सबसे पहले YouTube का जो फेयर यूसेज पॉलिसी है, जहाँ पे आप कॉपीराइटेड कंटेंट भी उठा सकते हो, लाइक ट्रेलर वगैरह आप YouTube का, जैसे कि कोई मूवीज़ का ट्रेलर आपको दिखाना है, उसका कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सीन दिखाना है, तो वो आप दिखा सकते हो। वो कैसे? उसका जो क्लिप है आप उसको कम से कम 5 सेकंड तक यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, और कम से कम 1 से 2 सेकंड यूज़ करना चाहो तो यूज़ करना। लेकिन आप बोलोगे कि हम पूरा क्लिप उठा के डाल देंगे, तो वो नहीं, आपको क्लिप डालना है, साथ में आपको उस क्लिप को एडिटिंग करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली कोई क्लिप डाउनलोड किए, उसको डाल दिए वीडियो में और साथ में वॉइस ओवर दे रहे हो, तो भाई उसमें कॉपीराइट आएगा। या तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, या तो कोई उस पर वॉइस ओवर दे सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह दे सकते हो। ये ऑलरेडी यहाँ पे कॉपीराइट यूट्यूब का पॉलिसी फेयर यूसेज में लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम आप 5 सेकंड का क्लिप यूज़ करो, ठीक है। और म्यूज़िक कौन सा यूज़ करना है? अब आप बोलोगे कि हम कॉपीराइट म्यूज़िक उठाकर तो नहीं डाल सकते, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा म्यूज़िक है उसको तो डाल सकते। नहीं, आप इधर उधर से म्यूज़िक नहीं लोगे। आप म्यूज़िक कहाँ से लोगे? यूट्यूब का एक ऑलरेडी लाइब्रेरी है, म्यूज़िक लाइब्रेरी। आप गूगल पे सर्च करोगे यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी, वहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब फर्स्ट सर्च रिजल्ट में जो लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिलेंगे यूट्यूब का, जो कि खुद ने उन्होंने दे रखा है वहाँ पे कि आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में, चाहे उसको बैकग्राउंड की तरह यूज़ कर लो। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है, उसमें वॉइस ओवर देना है या फिर फेस दिखाना है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जैसे कि बहुत सारे चैनल हैं जो कि फेस भी दिखाते हैं, और बहुत सारे चैनल हैं जो कि ट्रेलर दिखाते हैं और सिर्फ रिव्यू करते हैं, तो जो भी आपको बन सके। अगर आप मूवी नहीं, अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ट्रेलर दिखा के। लेकिन जब फेस नहीं दिखा रहे हो तो वीडियो जो होना चाहिए वो एडिटिंग इतना नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। अभी का रिव्यू का आप जाके चैनल का वीडियो देखो, कितना ज़बरदस्त एडिटिंग करता है, तब जाके लोग इंगेज कर रहे हैं। अगर कोई भी आप डायरेक्ट वीडियो क्लिप उठाए, थोड़ा बहुत बोल रहे हो, नॉर्मल बोल रहे हो, ठीक है, उतना मतलब अच्छा से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप फेस दिखा लो, फेस दिखा के बोलोगे तो उससे जो कनेक्शन बिल्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, फेस दिखा के और थोड़ा ट्रेलर यूज़ करो और मज़ा आएगा फिर। अब आप बोलोगे कि एडिटिंग कैसे करें भाई, एडिटिंग तो मुझे आता नहीं है, कैसे एडिटिंग करें? तो एडिटिंग के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई मुझे एडिटिंग सीखना है कि किस तरह से आप मूवी रिव्यूज़ वाला एडिटिंग, टॉप 10 या फिर रिव्यू कैसे करते हैं, वो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो
तो आपको नीचे कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मुझे मोबाइल एडिटिंग चाहिए, या फिर पीसी के लिए अगर आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबके लिए मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप जिसका डिमांड ज़्यादा होगा वो पहले होगा। अगर आप मोबाइल से बोलोगे तो मैं मोबाइल से करके दिखाऊंगा, पीसी से बोलोगे पीसी से कर देगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट 100% करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाते जाते रुको, टेलीग्राम पे सर्च करना है अमृत एड्रिनो टेलीग्राम पे, वहाँ पे उसको उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा चैनल वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, पीडिक्स से हो गया, चाहे और भी अर्निंग का जो तरीका है वो सबसे पहले, या फिर वोट वगैरह करवाता हूँ वहाँ पे। बाकी टेलीग्राम का पेड प्रमोशन, लाइक टेलीग्राम चैनल का सब्सक्राइबर बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, एप्लीकेशन बनवाना है, वो सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन में हमको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप देख लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी वाली का भी ख्याल रखिए। लव यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट जरूर करना।